देखिए प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी कई ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से संगठन के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो बैठक हुआ तो हर बार बैठक में इस प्रकार की अच्छी बातें करते हैं और आज जनमन योजना, विश्वकर्मा योजना और ड्रोन जो महिलाओं के, ये तीन बातें मुख्य रूप से, इसको कैसे और जनता में ले चला जाया जाए जिससे जनमानस में उसका प्रभाव पड़े। और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में जा रहा है, उस गाड़ी को और जितना बृहद रूप से हम लोग सजाएंगे जनप्रतिनिधि, उतना ही वो गाड़ी का जनता में जो लाभुक है उनको जितना जुटा करके उसको संकल्प लेंगे। तो ये सारी बातें हमें करना है, हम कर रहे हैं, हर लोग इसमें सहयोगी बने। तीन राज्यों में जो हैट्रिक लगा है उसके ऊपर मोदी जी ने क्या, स्वाभाविक है तीन राज्यों में जो लगे हैं उन्होंने जो विश्लेषण उनका पहले भी था, समाचार पत्रों में भी आया, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, हले उनके नेतृत्व में है, समूचा चुनाव हुआ है, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय एक एक कार्यकर्ता को दिया। क्या आगे के रोड मैप पर भी कुछ उन्होंने आप लोगों से, 2047 का भारत कैसा बनेगा वही तो है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।